हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर मॉड में एक्स माइनस टू प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कुछ कंडीशन चाहिए, चूँकि यहाँ पर दिया है मॉड में, एक्स माइनस टू मॉड में है, तो हम मॉड का कंडीशन लगाएंगे कि मॉडुलस का क्या क्या कंडीशन होता है। तो उसका कंडीशन यही होता है कि इसके दो वैल्यू आते हैं, इसके दो वैल्यू आते हैं, एक पॉजिटिव में दूसरा नेगेटिव में। तो जैसे मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू हो गया, हमारा एक वैल्यू आया है माइनस एक्स में, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा ज़ीरो से क्या होगा, छोटा होगा। और दूसरा क्या है, प्लस में, जब प्लस में आएगा तो वो क्या होगा, ज़ीरो से के बराबर होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा। एक्स इक्वल टू और ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अब इसी का कंडीशन इसमें लगाएंगे, क्योंकि मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में आता है दो में, तो इसका जो इक्वेशन है वो दो ठो बनेगा, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर ब्रैकेट में एक्स माइनस टू प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो, ये पॉजिटिव वाला हो गया। अब नेगेटिव वाला हम लेंगे, ये सेकेंड वाला हमारा कंडीशन है कि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर, अब ये माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस टू ब्रैकेट में फिर प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव में है और ये वाला नेगेटिव में है, तो इसके दो वैल्यू हो गए। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं, तो कर लिखते हैं एक्स, पहले इसका होल स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस फोर एक्स प्लस एट माइन प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर ये माइनस से एट एक्स हो जाएगा, ये फोर है, एट है, फोर है, तो ये हो जाएगा सिक्सटीन इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए इसको हम होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे कैसे, जैसे एक्स का स्क्वायर हो गया माइनस टू इंटू फोर इंटू एक्स, फोर इंटू एक्स प्लस फोर का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए यूज़ करेंगे एक फार्मूला, ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए माइनस में इधर, सॉरी ये स्क्वायर इधर आएगा तो ज़ीरो रहेगा, तो एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, माइनस से दिखाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हमें मिला प्लस फोर। अब देखिए हमारा जो मॉड में वैल्यू था क्या था, एक्स माइनस टू, कितना था एक्स माइनस टू, पॉजिटिव में आया था, पॉजिटिव में आया था, तो पॉजिटिव का कंडीशन क्या था कि एक्स ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा मॉड में देखिए जितना था उसको हम पूरा लिखेंगे, तो मॉड में क्या था एक्स माइनस टू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स माइनस टू ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। हमारे मॉड में जो नंबर दिया रहेगा चाहे जो रहेगा उसी को ही हम पूरा लिखेंगे। तो देखिए ये माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर और इक्वल टू टू। अब देखिए एक्स का वैल्यू टू के इक्वल में हो या टू से बड़ा हो, तो हमारा जो वैल्यू आया है यह दो से बराबर में नहीं है लेकिन उससे बड़ा है, उससे ग्रेटर देन में है, फोर है, तो यानी कि हमारा सलूशन सही है, ये हमारा सलूशन सही है। अब इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका भी होल स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स, फिर माइनस माइनस देखिए प्लस हो जाएगा, फोर एक्स माइनस एट प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, यह फोर है, यहाँ पर भी फोर है, एट हो गया, और माइनस एट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचा है ज़ीरो, तो लिखते हैं ज़ीरो, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, ज़ीरो। अब देखिए चूंकि हमने माइनस वाला कंडीशन लिया है, माइनस वाला कंडीशन हम यहाँ पर लिखेंगे, और हमारा जो मॉड में था क्या था, एक्स माइनस टू, तो इसको लिखेंगे एक्स माइनस टू लेस देन ज़ीरो, जो मॉड में रहेगा उसको पूरा हम लिखेंगे, एक्स माइनस टू लेस देन ज़ीरो। अब देखिए माइनस में दे जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो एक्स लेस देन टू, तो एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो टू से क्या हो, छोटा हो, स्मॉल हो,
तो देखिए जो हमारा ज़ीरो है यह टू से क्या है, स्मॉल है, छोटा है, इसीलिए यह भी हमारा सलूशन सही है। तो हमारा एक यह सलूशन हो गया, दूसरा यह।